After exploring 3 days in Nusa, I came to this beach resort in Ahmed. Ahmed is situated in the eastern side of Bali and famous for crystal clear water with beautiful coral reef and the beautiful view of Mount Agung on the backdrop. This is a kind of place where one can enjoy both beautiful sunrise and sunset. The beach is next to a hilly area and not touristy like the west and southern part of Bali. Here the sand is black as it is made of volcanic ashes. And that is the reason here land is fertile and a nice growth of coral very close to the seashore. There are some nice places to see the view of Mount Agung from far, like Lampayang Temple and Lahangan Suite. Also, Tirthaganga Temple is just a half an hour away from Ahmed. I will be here in Ahmed for the next 3 days, so let's start exploring. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाली, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आमेद। और एक फ्रेश डे की शुरुआत हो रहा है। आज का प्लान है कि लोकल कुछ टेम्पल जैसे लंपायंग टेम्पल और एक टेम्पल है वहाँ पे जाएंगे। फिर देखते हैं आगे का प्लान। यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, पर एक चीज़ अच्छा है कि जो रूट है वो पहाड़ी वाला रूट है और वहाँ पर उतना गर्मी नहीं होता। बस ये बीच एरिया में थोड़ा गर्मी हो जाती है 10-11 बजने के बाद, मतलब बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दिस इज माय बाइक टुडे। सो ये है तीर्थगंगा टेम्पल और उसका आगे ये जो प्लेस है, यहाँ पे फिश भरा हुआ है और ये इंस्टाग्राम स्पॉट है। यहाँ पे लोग बस फ़ोटो खींचने के लिए ही आते हैं, बस और कुछ नहीं है। एंट्री फी है 50,000 IDR पर हेड। यहाँ आते हैं, ये नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे फिश है। ये भी खा पी के मतलब एकदम तंदुरुस्त हो गया। एंट्री गेट पर ही आपको मिल जाएगा बहुत सारे शॉप्स जहाँ पे आप ये फिश के लिए खाना ले सकते हो और फिर इसको खिलाओ और फोटो खींचो, बस यही काम है यहाँ पे। फिश फिटिंग चल रहा है यहाँ पे, ये देखो मोटे मोटे मछलियाँ। मेरे को तो खाने का मन कर रहा है, पर ठीक है, इन लोगों को छोड़ देते हैं यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। नीचे अंदर भी दिखाते हैं क्या सीन है पानी के अंदर। रुको, यहाँ पे भी ये एक ब्रिज है और नीचे से पानी जा रहा है। बस फोटो खींचने वाला ही जगह है, वो उतना खास कुछ नहीं है, पर ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो देख लेते हैं, कुछ मिस करके क्या फ़ायदा। ये है नेक्स्ट डेस्टिनेशन बैसाखी ग्रेट टेम्पल और साथ में आगे एक विलेज भी है।
दिस इज द एंट्रेंस गेट। टिकट ऑलरेडी हो गया है और टिकट में 90,000 IDR पर हेड टिकट है। नीचे से गाइड लेके आना था तो वो हम भूल गए। ऊपर आके पूछ रहे थे कि गाइड, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नीचे जाना पड़ेगा फिर गाइड लेके आना पड़ेगा। भाई वैसे भी मैं भूल जाता हूँ। ठीक है चलो बिना गाइड के ही घूम लेते हैं। वापस जाके गूगल करके इसका हिस्ट्री पास्ट सब पता कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं कोई टेंपल की जो इनर यार्ड्स है वो देख रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे अलाउड नहीं था तो यहाँ पे भी सिर्फ गेट तक आना अलाउड है और यहीं से देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ ऑफरिंग्स लेके आ रहे हो तो अंदर जाके आप प्रे कर सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट ए सिंगल टेंपल बट ए टेंपल कॉम्प्लेक्स वेयर एटलीस्ट 20 टेंपल्स आर देयर। What I heard from local guide who was describing other tourists that they also pray Brahma, Vishnu, Maheshwar like us. ये वाला लास्ट टेम्पल है, बहुत देख लिए, ये लास्ट। नाइस एंड साइलेंस, बहुत साइलेंट है, मतलब लोग जो आ रहे हैं बिल्कुल साइलेंटली प्रे करके जा रहे हैं, नो साउंड। और यहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं रहा है ज़्यादा, कोई भी नहीं आ रहा है एक्चुअली। हर टूरिस्ट के साथ एक गाइड है तो गाइड जहाँ लेके जा रहा है तो टूरिस्ट वहीं जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। तो ये मेरे को लगता है गाइड का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं फ्रीली नहीं जा पा रहा हूँ। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ गाइड कहीं और लेके जा रहा है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई सुनना नहीं है, भाई फोर्सफुली सुनाते रहते हैं वो। सो आ गया शाम को लंपायंग टेंपल पे। ये बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम स्पॉट है यहाँ का, और यहाँ पे आने के लिए पर हेड 1,00,000 इंडोनेशियन रुपया खर्चा होता है, जिसका इंडियन करेंसी में अराउंड आप मान लो के 580। और ये जो बैकग्राउंड में है ये है टेंपल। वैसे टेंपल अच्छा ही है देखने में, आप देखो इट्स गुड, पर एक्चुअल अट्रैक्शन यहाँ का टेंपल नहीं है, एक्चुअल अट्रैक्शन है यहाँ का ये गेट। और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए भैया एकदम पागलपंती लगा रखा है। ये देखो मजाक अभी दिखाते हैं आपको। Next,
तो ऐसे नंबर पुकारे जा रहे हैं, जो लोग वेटिंग पे है वो जाके फोटो खींच के अभी आ रहे हैं। देखो लोगों को टेंपल देखने की कोई मतलब नहीं है, लोगों को बस वो गेट के आगे जाना है, फ़ोटो खींचना है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसको बिजनेस बना लिया है कि भाई बस फ़ोटो ही खींचने आए हैं लोग, बस फ़ोटो खिंचवा दो और पैसे ले लो। तो पीछे जो है वो गेट है, ये एक्चुअल अम्पायंग टेम्पल है। ये पत्थर का बना हुआ है और अच्छा क्राफ्टेड है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आमिद। तो आज यहाँ पे आमिद में लास्ट डे है और आज हम जा रहे हैं तुलम्बेन पे डाइविंग के लिए। यहाँ पे एक फेमस डाइविंग स्पॉट है उसेट लिबर्टी शिपरेक, तो वहाँ पे डाइविंग का प्लान है। लेट्स गो, लेट्स सी हाउ इट इज़। ये पहला रेक डाइव होगा मेरा, क्योंकि पहले मैंने कभी रेक डाइव किया नहीं है शिपरेक पे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। होप इट विल बी अ वेरी गुड डाइव। My dive finished. Thank you very much, instructor. Nice diving. आप यहाँ पे आओ तो आप लिट्स डाइव पे जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे
इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छा है और बहुत इट्स वेरी नियर टू द शिपरेक एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. Also, I have visited Lahangan Suite for sunset and took some nice Instagram photos. Next episode will be the last episode of Bali where I will trek to Mount Agung. Thanks for watching. Please subscribe. Bye. और आगे कुछ spots है जैसे वो सामने है पीछे tree के ऊपर बना हुआ है. वहाँ पे सब ले रहे हैं photos. मैंने भी लिए है. मेरा pose थोड़ा अलग है.